हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग अमेजिंग। सो ये वाला व्लॉग मैं कंटिन्यू कर रही हूँ जहाँ से मैं लास्ट व्लॉग ख़त्म की थी। तो हम आए हैं उड़ीसा। सो पहले 5 डेज़ हम रहे मेरे मायके में, कुछ ऑफिशियल काम था वो सब निपटाए, एंड अभी जा रहे हैं मेरे इन लॉज के प्लेस में, एंड वहाँ में भी काफ़ी देर रुकने का प्लानिंग है। तो बस सुबह सुबह हम निकल चुके हैं, एंड ये देखिए कितने दिन बाद मैं थोड़ा ट्रेडिशनल वे में रेडी हुई हूँ। तो यहाँ हम पहुँच चुके हैं मेरे इन-लॉज के प्लेस में, एंड सुबह से मतलब 1 साल बाद हम आ रहे हैं। तो पहले सबसे मिले, खाना फाना खाया, सोना भी थोड़ा रिलैक्स की, ट्रैवल करके थक चुकी थी, एंड ऐसे ही आज का पूरा दिन चला गया। एंड अच्छा भी नहीं लगता कि आते ही हम मतलब शुरू हो जाओ कैमरा पकड़ के ही घूमते रहो, ये सब अच्छा भी नहीं लगता। सबके साथ पहले मिले, बात किए, फिर खाना वाना खाया, रिलैक्स किए, एंड ऐसे ही रात हो गया। तो कल का हमारा प्लानिंग है कि यहाँ पे एक बहुत ही पुराना शिव जी का मंदिर है, अमरेश्वर टेम्पल बोलते हैं, तो हम सब जाएंगे वहाँ पे। वहाँ पे बहुत सुंदर पार्क है, तो सब बच्चों को लेके जाएंगे। तो ठीक है, जब कल सुबह मैं टेम्पल में पहुंचूंगी तो वहां से फिर व्लॉग कंटिन्यू करूंगी। तो ये है नेक्स्ट डे का क्लिप। तो हम टेम्पल में आ चुके हैं। टेम्पल के अंदर कैमरा अलाउड नहीं था, तो वहां के मतलब जो भगवान का एंड टेम्पल का मैं कोई भी क्लिप नहीं ली, क्योंकि कैमरा अलाउ नहीं था, रूल ब्रेक करके ठीक नहीं है ये बात। तो बहुत ही पुराना, बहुत ही सुंदर टेम्पल है, एंड टेम्पल के पास ही बहुत ही सुंदर सा एक पॉन्ड है छोटा सा, एंड यहाँ पे एक चिल्ड्रन पार्क है, एंड बच्चों के देखिए हर बच्चे के मुँह में कितना देर से बिग स्माइल, सबके चेहरे पर कितना सुंदर स्माइल है, सब बच्चे बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। ये देखिए मैं एक व्यू दिखा रही हूँ पार्क का, कितना सुंदर है ये वाला पार्क, एंड बच्चों ने तो बहुत ही मस्ती किए। तो दर्शन का ख़त्म करके हम बच्चों के साथ यहाँ पार्क में है, थोड़ी देर यहाँ पे टाइम स्पेंड करेंगे एंड फिर जाएंगे घर। एंड ये वाला जो टेंपल है, सोना जब नहीं हुई थी हम आए थे यहाँ पे, एंड ये वाले मंदिर को मैं भी बहुत दिल से बहुत मानती हूँ, मुझे भी बहुत आस्था है ये वाले टेम्पल के ऊपर, एंड मेरा भी बहुत मन था काफ़ी दिन से कि ये वाले मंदिर में मैं आके दर्शन करूँ, माथा टेकूँ। तो फाइनली ही कितने दिन बाद ये मेरा इच्छा पूरा हुआ। तो ठीक है, बच्चों के साथ थोड़ा सा मस्ती करेंगे फिर घर जाएंगे, एंड घर जाने के बाद भी आज एक स्पेशल रेसिपी बन रही है, वो वाली रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। घर पहुंच चुके हैं, एंड यहाँ पे एक बहुत ही स्पेशल रेसिपी बन रही है, ये मेरे मदर इन लॉ का स्पेशल रेसिपी है, एंड मेरा बहुत ही फेवरेट है। मैं जब भी आती हूँ यहाँ पे, मेरे डिमांड पे ये वाला रेसिपी बनता ही बनता है एवरी टाइम। शादी के बाद से जब भी मैं आती हूँ ये बनता ही है बनता है मेरे लिए स्पेशली। तो पम्पकिन पोड़ो पीठा बोलते हैं इसको, इसका नाम है, एंड जो हम गैस पे बनाते हैं या फिर ओवन में बनाते हैं वो वाला अलग है, ये जो एकदम ट्रेडिशनल तरीके से लकड़ी के चूल्हे पे जो बनता है उसका टेस्ट ही एकदम अलग है। तो मेरा काफ़ी टाइम से मन था, लास्ट टाइम जब हम आए थे तो मेरा मन था कि मैं ये वाला रेसिपी
शेयर करूं, बट लास्ट टाइम मैं सो रही थी, मेरे मदर इन लॉ मतलब पीठा बना के, जब मैं उठी तो पीठा ऑलरेडी बन चुका था, तो लास्ट टाइम मैं शेयर नहीं कर पाई। तो इस टाइम मैं सोची थी कि ये वाला रेसिपी मैं पक्का शेयर करूंगी। तो सबसे पहले देखिए, पम्पकिन को ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में हम काट रहे हैं, एंड अभी एक नारियल को हम तोड़ेंगे। तो पहले मतलब ये रॉ वाला नारियल था, तो इसको पहले छील रहे हैं, फिर इसको हम तोड़ के इसके फ्लेश जो है उसका छोटा छोटा टुकड़ा करके हम काटेंगे। तो यहाँ पे हम अदरक एंड नारियल को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के रखे हैं, देखिए इस तरह से। सो ये वाले रेसिपी गुड़ से बनता है, तो गुड़ को पहले मेल्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे हम गुड़ ले रहे हैं थोड़ा सा, एंड अभी पम्पकिन को भी जो काट के हम रखे थे उसको भी अच्छे से धो के हम निकालेंगे, फिर इसको बॉयल करने के लिए रखा जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको बॉईल कर रहे हैं, ज़्यादा पानी डालने से मतलब टेस्ट फीका हो जाएगा, इसके लिए थोड़ा सा पानी डाल के अभी इसको बॉईल करने के लिए रखा गया है। थोड़ी देर बाद देखिए कितने अच्छे से एकदम सॉफ्ट हो गया है सारे पम्पकिन। फिर इसमें जो कोकोनट एंड अदरक को हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट के रखे थे उसको डाल रहे हैं। अभी हम जागरी डाल रहे हैं, गुड़, बेसिकली गुड़ को जो मेल्ट करके डाला जाता है, बट अभी टाइम नहीं था तो ऐसे ही डाल दिए, बट इसको मेल्ट करके डालने से वो अच्छे से घुलता है, अच्छे से मिक्स होता है। अभी सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, प्रॉपरली मिक्स करना बहुत ही ज़रूरी है। आप चाहे तो इसको ठंडा करके भी मिक्स करके फिर से आप चूल्हे पर बिठा सकते हो, ऐसा करने से अच्छे से मिक्स होगा वो, बट टाइम नहीं था तो हम ऐसे ही थोड़ा सा मैनेज कर रहे हैं। अभी यहाँ पे थोड़ा सा इलायची को लेके उसको अच्छे से पाउडर बना रहे हैं कूट के। देखिए ये है सील बट्टा ट्रेडिशनल वाला, पहले इसी में से इसको ही यूज़ करते हैं जब ग्राइंडर नहीं था ये, तो ये ग्राइंडर का काम करता था। एंड इलायची के पाउडर को भी इसके इसमें हम डालेंगे एंड फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एंड देखिए सोना एंड उसके भाई खेल रहे हैं वहाँ पे बगीचे में। फिर इसमें डाला जाएगा चावल का आटा, यह है राइस फ्लोर, इसको डाल के सारे चीज़ों को फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे। तो हमारा पीठा का बैटर रेडी है देखिए, एंड इसको पकाने के लिए प्रिपरेशन चल रहा है। तो लकड़ी के चूल्हा के ऊपर एक कढ़ाई रखे हैं, उसमें थोड़ा सा पानी बॉयल कर रहे हैं, गरम कर रहे हैं। इसमें सैंड डाला गया है, वो सैंड को गरम किया जा रहा है। फिर इसके ऊपर ना केले का पत्ता रख के इसमें के इसमें सारे बैटर डाला जाएगा। अभी इसके ऊपर फिर से केले का पत्ता रखा जाएगा एंड उसके ऊपर फिर आग डालेंगे ताकि वो नीचे से भी पके एंड ऊपर से भी पके। सो थोड़ी देर पकने के बाद उसको चूल्हे से निकाल के ठंडा होने के लिए रख लेंगे। फिर सारे केले के जो पत्ते का कवर था उसको हटा लेंगे। तो देखिए ऐसा वाला एक पीठा बनके रेडी हो गया है, इसका नाम है पम्पकिन पोड़ो पीठा। इतना टेस्टी है, इतना टेस्टी है, खाने में बहुत ही टेस्टी बनता है।
तो यहाँ पे मैं ही काट रही हूँ इसको। सो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना ये वाला रेसिपी एक बार, गैस के चूल्हे पे या फिर ओवन में भी आप लोग बना सकते हैं, बट लकड़ी के चूल्हे का टेस्ट ही कुछ अलग होता है। तो ठीक है, आई होप आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इफ़ येस, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट नोटिफिकेशन एवरी टाइम आई अपलोड ए न्यू वीडियो। एंड येस, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेज पे मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। सो आई विल सी यू सुपर सून इन माई नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।